अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने नवरात्र पर लाउडस्पीकर और डीजे देर तक बजाने को लेकर कहा कि क्या सारे नियम कायदे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं? हम इसे नहीं मानेंगे। इस नवरात्र पर हम लाउडस्पीकर डीजे सब चलाएंगे, कोई गाइडलाइंस नहीं है। जब उन्हें लाउडस्पीकर के मामले में कोर्ट के फैसले की याद दिलाई गई तो उन्होंने कहा उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल में संवाददाताओं से बात कर रही थी। इसी दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में साध्वी ने यह जवाब दिया। गौरतलब है कि कोई पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर उन्हें गर्व है। प्रज्ञा ठाकुर ने एक टीवी चैनल से कहा था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है, ढांचा गिराने पर हम तो गर्व करते हैं। हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पर अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको हमने हटा दिया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा कि हम गर्व करते हैं, इस पर हमारा स्वाभिमान जागा है। प्रभु राम जी का भव्य मंदिर भी बनाएंगे, ढांचा तोड़कर हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत किया था। वहां भव्य मंदिर बनाकर भगवान की आराधना करेंगे, आनंद पाएंगे। बता दें कि भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उम्मीदवार बनाया था। प्रज्ञा ने इससे पहले मुंबई के एटीएस प्रमुख में रहे आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया था। मामले के तूल पकड़ने पर उन्होंने बयान वापस लेते हुए माफी मांग ली थी।